गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसमें हमने इस चैप्टर में 6 स्पीशीज पढ़नी है हमको फ्रेश वाटर फिश कल्चर की। तो 6 स्पीशीज, सबसे पहले कतला, नेक्स्ट रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प। तो ये 6 स्पीशीज़ जो है फिशेस की, इनके बारे में हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो इसके पहले वाली जो स्लाइड है, उसमें हमने इंडियन मेजर कार्प्स के बारे में पढ़ा। और इंडियन मेजर कार्प में कौन सी फिश आती है? कतला, लेबियो रोहिता, सीरिनस मृगला। तो ये 3 स्पीशीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट है, जो 3 फिशेस रिमेनिंग है हमारी, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, तो ये किस में आती है? एक्जॉटिक कार्प्स में आती है। जो पहले हम 3 पढ़ चुके हैं, कतला, रोहू, मृगल, वो इंडियन मेजर कार्प में आती है, ठीक है। और ये जो 3 स्पीशीज़ है, वो एक्जॉटिक कार्प्स में आती है। तो इसमें हम लोग 3 फिशेस स्टडी करेंगे एक्जॉटिक कार्प्स में, जिसमें कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प होगी। तो आज हम लोग कॉमन कार्प के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी ऑफ एक्जॉटिक कार्प्स। एक्जॉटिक कार्प सच एज सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड तिलापिया आर कल्चर इन इंडियन वाटर। तो एक्जॉटिक कार्प्स जो है कौन सी है? सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, तिलापिया है, जिनको इंडिया में कल्चर किया जाता है। दीज फिशेस आर हैविंग गुड ग्रोथ रेट एंड दे फिल अप द गैप लेफ्ट बाय इंडियन मेजर कार्प्स। तो ये जो फिशेस है एग्जॉटिक कार्प्स, इनका ग्रोथ रेट अच्छा होता है और इंडियन मेजर कार्प को की गैप को ये फिलअप करते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? मीन्स कमतरता अगर हो जाती है तो ये फिशेस भी कंज्यूम की जा सकती है। कल्चर ऑफ दीज फिशेस में बी मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर अलॉन्ग विद इंडियन मेजर कार्प और इंडिविजुअल कल्चर। तो इन जो एग्जॉटिक कार्प्स है, इन फिशेस का कल्चर मोनोकल्चर भी किया जा सकता है या पॉलीकल्चर भी किया जा सकता है। तो मोनोकल्चर में सिर्फ वन टाइप ऑफ स्पीशीज कल्चर की जाती है, और पॉलीकल्चर में मोर देन वन मीन्स दो या तीन स्पीशीज़ जो होती है, अलग अलग वैरायटी है, उनको एक साथ कल्चर किया जाता है। तो ये जो फिशेस है एग्जॉटिक कार्प्स जो है, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, इनको इंडियन मेजर कार्प के साथ या फिर इंडिविजुअल कल्चर भी इनका किया जा सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे बायोलॉजी ऑफ सिप्रिनस कार्पियो, जिसको कॉमन कार्प भी कहा जाता है। तो इस तरीके की फिश होती है ये। सिप्रिनस कार्पियो इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉमन कार्प बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन टेम्परेट रीजन ऑफ एशिया, चाइना, ब्लैक सी, कैस्पियन एंड टर्किस्टन। तो इसे कॉमनली क्या बोला जाता है? कॉमन कार्प बोला जाता है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेट रीजन मींस जहाँ पे हाई टेम्परेचर रेंजेस होती है, तो ऐसे रीजन में भी ये इनका कल्चर किया जा सकता है। तो कहाँ पे कल्चर होता है? एशिया में चाइना, ब्लैक सी, कैस्पियन एंड टर्किस्टन, यहाँ पे इनका कल्चर किया जाता है। कल्चर ऑफ दिस फिश स्टार्टेड इन चाइना इन 415 BC। यहाँ चाइना में इसका कल्चर कब से स्टार्ट है? 415 BC से कल्चर स्टार्ट है। नाउडेज फिश इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो फिश है वो बहुत ज़्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आजकल अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में और टेम्परेट रीजन मीन्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ पर होता है, तो ऐसे एरिया में ये फिश को कल्चर किया जाता है। इट इज़ एक्लेमेटाइज टू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड एक्सट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये जो फिश है, ये जो स्पीशीज़ है,
इस स्पीशीज़ ने खुद को एक्लिमेटाइज़ किया है, एडजस्ट किया है टू डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट में एडजस्ट कर लेती है ये फिश। एंड एक्सट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे भी ये फिश एडजस्ट कर लेती है। नेक्स्ट, अभी वेराइटी ऑफ कॉमन कार्प। तो कॉमन कार्प में भी तीन वेराइटीज़ हम लोग पढ़ेंगे, तीन वेराइटीज़ है उसमें। कॉमन कार्प इज़ हैविंग थ्री वेराइटीज़ सच एज स्केल कार्प, कम्युनिस जिसे कहते हैं कॉमन नेम, मिरर कार्प, स्पिक्युलरिस, लेदर कार्प, न्यूडस। तो इन तीनों स्पीशीज का भी देखेंगे हम लोग। स्केल कार्प ऑन द बॉडी, जिसे कम्युनिस कहा जाता है, ऑन द बॉडी रेगुलरली अरेंज रोज ऑफ स्केल्स प्रेजेंट। तो इनकी बॉडी पे रेगुलरली अरेंज रो प्रेजेंट होते हैं स्केल्स के। कार्प इज कल्टिवेटेड इन फार ईस्ट कंट्री। तो जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे ये कल्चर की जाती है, कल्टिवेट की जाती है। कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक है, फार ईस्ट कंट्रीज मीन्स कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, वहाँ पे कल्चर की जाती है। मिरर कार्प स्पिक्युलरिस ऑन द बॉडी अनइवन एंड लार्ज ब्राइट स्केल आर प्रेजेंट। तो इनकी बॉडी पर जैसे स्केल कार्प में क्या होता है, पूरे बॉडी पर रेगुलर अरेंज रो ऑफ स्केल प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे अनइवन स्केल्स प्रेजेंट होती है, बड़ी छोटी लार्ज ब्राइट स्केल्स आर प्रेजेंट। तो अनइवन होती है ये स्केल्स। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ स्केल्स लार्ज एरिया ऑफ बॉडी रिमेन स्केललेस। तो इस तरीके की अरेंजमेंट होने के कारण क्या होता है, बॉडी में कुछ एरिया विदाउट स्केल रह जाता है, मीन्स वहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज लेदर कार्प न्यूडस। कंप्लीट बॉडी इज स्केललेस एक्सेप्ट अ रो ऑफ स्केल अलॉन्ग द बेस ऑफ डोर्सल फिन। तो जो पूरी बॉडी है उसमें कहीं पे भी स्केल प्रेजेंट नहीं होते, स्केललेस बॉडी होती है, और रो ऑफ स्केल अलॉन्ग द बेस ऑफ डोर्सल फिन। तो डोर्सल फिन जो पीठ पर होती है उनके, मीन्स ये जो डोर्सल फिन है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डोर्सल फिन। तो डोर्सल फिन के बेस में यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होती है थोड़ी। नेक्स्ट स्लाइड। इन इंडिया अ जर्मन स्ट्रेन ऑफ रशियन स्ट्रेन ऑफ मिरर कार्प वॉज ब्रॉड इन 1939 फ्रॉम सीलोन एंड स्टॉक इन ओटाकामून लेक। तो इंडिया में ये कब इंट्रोड्यूस की गई, जर्मन स्ट्रेन और रशियन स्ट्रेन मिरर कार्प की, 1939 में, और कहाँ से लाई गई, सीलोन से, और स्टॉक की गई है ओटाकामून लेक में। चाइनीज और ईस्टर्न स्ट्रेन वॉज इम्पोर्टेड इन 1957 फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड एट कटक। तो चाइनीज और ईस्टर्न स्ट्रेन जो है स्केल कार्प, ठीक है, स्केल कार्प को कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, इम्पोर्ट करके उसे 1957 में बैंकॉक से कटक में इम्पोर्ट किया गया। लेटर ऑन बोथ द स्ट्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस स्टेजेस ऑफ इंडिया। तो बाद में ये जो स्ट्रेन आया, नया स्ट्रेन जो आया फिशेस का, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के। तो ये जो है एग्जॉटिक कार्प, मीन्स इंडिया में इनका ओरिजिन नहीं है, इसीलिए इनको एग्जॉटिक कार्प बोला गया है। तो इनको हमने बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ से हमने इंपोर्ट किया और हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो इस फिशेस को इसीलिए हम लोग एग्जॉटिक कार्प्स कहते हैं। तो फिर तब से वेरियस स्टेट में उसको भेजा गया और अलग अलग जगह पर इनका कल्टिवेशन किया गया। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर,
इन फिशेस के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देखते हैं अभी. बॉडी ऑफ द फिश इज डीप वाइड एंड स्टम्पी विथ स्मॉल हेड पॉइंटेड स्नाउट एंड प्रोट्रूसिबल माउथ. यहाँ पे माउथ होना चाहिए था. तो बॉडी कैसी है ये फिश की? डीप है, मीन्स ऊपर की तरफ ज़्यादा डीप है, जैसे हमने कतला में देखी थी बॉडी. तो ये डीप बॉडी है, ठीक है. अगर इस तरीके की रहती थी तो वो लीनियर बॉडी हो जाती थी, ठीक है. वाइड वाइड है, स्टम्पी है, फूली हुई है. स्मॉल हेड, हेड उनका छोटा है. पॉइंटेड है, पॉइंटेड स्नाउट, स्नाउट जो होता है उनका पॉइंटेड होता है. और प्रोट्रूसिबल माउथ मीन्स एक्सटेंडेड माउथ है. टू पेयर्स ऑफ बार्बल्स, टू पेयर्स ऑफ बार्बल्स आर प्रेजेंट नियर द जॉज. जॉ के पास दो पेयर बार्बल्स प्रेजेंट है. एनल फिन विथ थ्री स्पाइंस एंड फाइव रेज. एनल फिन जो है उनकी, एनल फिन देखिए यहाँ पे होती है. ये है एनल फिन, मीन्स एनस के पास जो होती है उसको क्या कहते हैं? एनल फिन. एनल फिन विद थ्री स्पाइंस एंड फाइव रेज. तो इनमें थ्री स्पाइंस और फाइव रेज प्रेजेंट होते हैं. वेरियस कलर्स सच एज ऑरेंज, येलोइश, ग्रेइश, ग्रीनिश, ग्रे एक्सेट्रा. तो ये इन सब कलर्स में पाई जाती है. अलग अलग कलर्स होते हैं इनमें. ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रे कलर होता है, ग्रीनिश कलर होता है और ग्रे कलर होता है. एब्डोमन इज वाइटिश. तो इनका जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो वाइटिश होता है. स्केल्स मॉडरेटली लार्ज, यूनिफॉर्मली अरेंज, कवरिंग द एंटायर बॉडी. इनके बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होती है जो कि मॉडरेटली लार्ज होती है और यूनिफॉर्मली अरेंज होती है. कुछ बड़ी कुछ छोटी ऐसे नहीं होती, बराबर डिस्टेंस से बराबर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट उनकी होती है और जो कि पूरे बॉडी को कवर करती है, कवरिंग द एंटायर बॉडी. डोर्सल फिन प्रोलॉन्ग्ड बिलोंग बियॉन्ड द बेस ऑफ द एनल विथ 3 to 4, 8 to 22 रेज. तो डोर्सल फिन जो होती है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है बियॉन्ड द बेस ऑफ एनल. तो देखिए यह है डोर्सल फिन जो कि प्रोलॉन्ग है, मीन्स यहाँ तक के खींची गई है और वो एनल का जो बेस होता है वहाँ तक के वो स्टॉप होती है. देखो ये एनल का बेस है, एनल फिन का, तो वहाँ तक के प्रोलॉन्ग्ड होती है. और उसमें कितने रेज होते हैं? 3 to 4 बेस ऑफ द एनल विथ 3 to 4 to 8 to 22 रेज होते हैं. कॉडल फिन डीपली फोर्क्ड, जो कॉडल फिन होती है यह है कॉडल फिन. तो ये डीपली फोर्क्ड है. ये देखिए यहाँ पे डीप, यहाँ पे फोर्क्ड है. कोई कोई फिश में इस तरीके की फिन होती है, कॉडल फिन, बट यहाँ पे जो फिन है वो कैसी है? डीपली फोर्क्ड. तो इस तरीके की फिन को क्या कहते हैं? डीपली फोर्क्ड फिन. नेक्स्ट इज फूड एंड फीडिंग हैबिट. सिप्रिनस कार्पियो इज अ बॉटम फीडर, ओमनिवरस एंड नॉन प्रीडेटरी फिश. ये फिश जो है वो कहाँ पे फीड करती है? बॉटम पे, सरफेस पे नहीं, कॉलम पे नहीं, नीचे, सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है बॉटम फीडर फिश है ये. ओमनिवरस है मींस प्लांट भी कंज्यूम करती है और एनिमल भी कंज्यूम करती है. और एंड नॉन प्रीडेटरी फिश, और नॉन प्रीडेटरी फिश है जो कि बाकी जो कल्टिवेबल फिशेस है उन पे फीड नहीं करती है. इफ़ कल्चर अलॉन्ग विथ मृगल एंड कालबासू इन कंपोजिट फिश कल्चर देन इट कम्पीट्स फॉर फूड एंड स्पेस. अगर हम इसे मृगल एंड कालबासू फिश के साथ कंपोजिट कल्चर करते हैं, ठीक है, तो ये कम्पीट करती है उनके साथ फूड और स्पेस को लेके.
तो इसीलिए हमको मृगल और कालबसु के साथ इनका कल्चर नहीं करना चाहिए. इट डिस्ट्रॉय बॉटम वेजिटेशन एंड मेक होल्स टू द एम्बैंकमेंट इन सर्च ऑफ फूड सच एज वॉर्म्स एंड इंसेक्ट. ये जो फिश होती है वो बॉटम वेजिटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है उनके ऊपर फीड करके, एंड मेक होल्स टू द एम्बैंकमेंट. और जो एम्बैंकमेंट बनाया होता है फिश पॉन्ड में, वहाँ पे होल्स कर देती है इन सर्च ऑफ फूड सच एज वॉर्म्स एंड इंसेक्ट. तो वॉर्म्स और इंसेक्ट पे ये फीड करती है, तो उनकी सर्च जब ये करती है तो एम्बैंकमेंट में होल कर देती है. फूड ऑफ द हैचलिंग्स इन नैनो प्लैंकटॉन प्रोटोजोआ नॉपली एसेक्ट्रा. तो हैचलिंग्स जो होते हैं इनके यंग वंस जो होते हैं वो किस पे फीड करते हैं, नैनो प्लैंकटॉन मीन्स माइक्रोस्कोपिक और छोटे जो प्लैंकटॉन होते हैं उन पे, प्रोटोजोआ पे, और नॉपली जो लार्वा होती है उन पे फीड करते हैं. फ्राई फीड ऑन जू प्लैंकटॉन सच एज रोटिफर नॉपली सीरोडेफनिया मोएना साइक्लोप्स एंड फाइटोप्लैंकटॉन सच एज डायटॉम्स माइक्रोसिस्ट युगलीना ऑसिलेटोरिया वॉलवॉक्स क्लोस्टेरियम एसेट्रा. तो जो फ्राई होती है वो किस पे फीड करती है, थोड़ी सी बड़ी फिश जो होती है सिप्रिनस कार्पियो की, थोड़ी बड़ी जब हो जाती है साइज़ में तब वो फ्राई कहलाती है. और वो किस पे फीड करती है, जू प्लैंकटॉन्स पे. तो ये अलग अलग जू प्लैंकटॉन्स के सब नाम दिए हैं आपको, मींस जू प्लैंकटॉन्स मींस एनिमल ओरिजिन के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. तो रोटिफर नॉपलियस सीरोडेफनिया मोएना साइक्लोप्स फाइटोप्लैंकटॉन में प्लांट ओरिजिन के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सच एज डायटम्स माइक्रोसिस्ट युगलीना ऑसिलेटोरिया वॉलवॉक्स क्लोस्टेरियम एसेट्रा. फिंगरलिंग टू अडल्ट स्टेज फीड्स ऑन चिरोनोमिट्स मीन्स ये इंसेक्ट होते हैं चिरोनोमिट्स, ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स, इंसेक्ट लार्वे, डिकेड वेजिटेबल्स, डिट्रिटस, सू प्लैंकटॉन एंड ओलिगोचिट्स एसेट्रा. और फिंगरलिंग जो होती है, फिंगर की साइज की जो फिश जब हो जाती है सिप्रिनस कार्पियो, जब एक फिंगर के साइज़ का साइज़ में आ जाती है तब उसे फिंगरलिंग कहते हैं. तो फिंगरलिंग टू अडल्ट स्टेज में ये कौन से एनिमल्स पे फीड करती है, चिरोनोमिट्स, ट्यूबिफिक्स वॉर्म. ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स रेड कलर की बहुत छोटी छोटी वॉर्म्स होती है वो, और इंसेक्ट के लार्वेज, डिकेड वेजिटेबल सड़े हुए वेजिटेबल्स पे, डिट्रिटस जो वेस्ट होता है उस पे, जू प्लैंकटॉन्स एंड ओलिगोचीट्स. ओलिगोचीट्स में छोटी वॉर्म्स होती है वो आ जाती है, तो इन सब पे ये फीड करती है. नेक्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्टॉकिंग डेंसिटी एंड आर्टिफिशियल फूड. ग्रोथ किस पे डिपेंड है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, कि इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर उनको अच्छे से नहीं मिलेगा, जो सराउंडिंग उनका है वो अगर अच्छे से नहीं रहेगा तो वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएंगी. स्टॉकिंग डेंसिटी, स्टॉकिंग डेंसिटी मीन्स हम जब कल्चर कर रहे हैं तो कितनी फिश हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने फिश का हम पालन कर रहे हैं. अगर एरिया छोटा है तो उस एरिया के हिसाब से हमको कम डेंसिटी में फिश उसमें इंट्रोड्यूस करना है, फिश सीड जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो फिश सीड हमको अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ कल्चरेबल पॉन्ड उसके हिसाब से हमको स्टॉकिंग करना है. अगर छोटा पॉन्ड है उसमें हमने अगर बहुत ज़्यादा फिशेज स्टॉक कर दी तो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उन्हें खाना वहाँ पर अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है. इसीलिए हमको क्या करना है, स्टॉकिंग रेट उसके एरिया के हिसाब से हमको करना है. तो अगर स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर फिश अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी. एंड आर्टिफिशियल फूड, और आर्टिफिशियल फूड उनको हम कितना दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, उसके ऊपर उनकी ग्रोथ डिपेंड है. इट ग्रोज अप टू 600 to 800 grams विदाउट आर्टिफिशियल फूड एंड अप टू 1 kg इन मैन्यूअर्ड पॉन्ड विद आर्टिफिशियल फूड व्हेन द स्टॉकिंग डेंसिटी इज 2500 फिंगरलिंग पर हेक्टर. तो जब स्टॉकिंग डेंसिटी अगर किसी पॉन्ड में हम लोग स्टॉक कर रहे हैं, कितना स्टॉक कर रहे हैं, 2500 फिंगरलिंग पर हेक्टर,
तो फिंगरलिंग जो छोटी मछलियाँ होती है उनको हम 2500 के रेट से पर हेक्टर के हिसाब से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल फूड उनको नहीं दे रहे हैं तो उनकी ग्रोथ कैसी होंगी, इट ग्रो अप टू 600 to 800 ग्राम विदाउट आर्टिफिशियल फूड, और 1 kg ग्रोथ होंगी उनकी कब, जब हम लोग मैन्यूअर पॉन्ड है, पॉन्ड को अच्छे से मैन्यूअर किया है और उनको आर्टिफिशियल फूड भी अगर हम लोग दे रहे हैं तो फिर वो अप टू 1 kg बढ़ेगी। फर्स्ट ईयर का बता रहे हैं ये, 600 to 800 ग्राम इन फर्स्ट ईयर एक साल में, और 1 kg इन 1 ईयर इफ़ वी गिव देम आर्टिफिशियल फूड। इन सेकेंड ईयर ग्रोथ रेट इज़ 1500 to 2000 ग्राम विद स्टॉकिंग डेंसिटी 1500 फिंगरलिंग्स पर हेक्टर। अगर सेकेंड ईयर में ग्रोथ कितनी मिलेंगी हमको, इन सेकेंड ईयर ग्रोथ रेट इज़ 1500 to 2000 ग्राम विथ स्टॉकिंग डेंसिटी 1500 फिंगरलिंग पर हेक्टर। अगर स्टॉकिंग डेंसिटी इतनी रही 1500 फिंगरलिंग पर हेक्टर तो हमको सेकेंड ईयर में ग्रोथ कितनी मिलेंगी, 1500 to 2000 ग्राम। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी, फिकंडिटी एंड ब्रीडिंग। फिश मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो फिश, हर एक फिश का एक मैच्योरेशन टाइम होता है, कोई 1 ईयर के बाद मैच्योरिटी उनमें डेवलप होती है, किसी फिश में 2 साल लग जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन द मैच्योरिटी टाइम्स डिफर्स। इन इंडिया इट मैच्योर्स विद इन 1 ईयर। इंडिया में जो सिप्रिनस कार्पियो है वो 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर में मैच्योरिटी आ जाती है उनमें। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट फिकंडिटी ऑफ फिश बिकॉज इट ब्रीड्स 4 to 5 times पर ईयर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। और ये बताना बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है कि फिकंडिटी कितनी है फिश की जो ब्रीड करती हूँ 4 to 5 times पर ईयर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में अगर फिश एक साल में 4 to 5 times ब्रीड कर रही है, एग्स दे रही है, ठीक है, तो उनकी फिकंडिटी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली फिकंडिटी रेंजेस फ्रॉम, फिकंडिटी मीन्स द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स, एग्स प्रोड्यूस करने की क्षमता जो होती है उसे हम लोग फिकंडिटी कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली फिकंडिटी रेंजेस फ्रॉम 39,000 to 16,59,000 eggs। तो इतने एग्स दे सकती है फिश, 39,000 to 16,59,000 eggs। फिश ब्रीड्स इन शैलो कन्फाइंड वाटर विथ मार्जिनल वीड्स। तो फिश शैलो वाटर में ब्रीड कर सकती है अगर वहाँ पे मार्जिनल वीड्स प्रेजेंट हो। तो मार्जिनल वीड्स क्या करते हैं, उनको ब्रीडिंग ग्राउंड्स का काम करते हैं। वहाँ पे फिश जाके, मार्जिनल वीड्स अगर होती है तो वहाँ पे फिश जाके ब्रीडिंग करती है। दो इट इज़ अ कंटिन्यूस ब्रीडिंग फिश, ब्रीडर फिश, बट इट हैज़ 2 spawning पीक पीरियड। तो ये कंटिन्यूस ब्रीड करती है, मीन्स ईयर में 4 to 5 times ब्रीड करती है, बट इट हैज़ 2 spawning पीक पीरियड। तो पीक पीरियड स्पॉनिंग के लिए 2 होते हैं इनके, सच एज इट ब्रीड्स फर्स्ट इन द मिड ऑफ जनवरी टू मार्च एंड सेकेंड फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। तो ये ब्रीड कब करती है, इनका पीक पीरियड कब होता है ब्रीडिंग का, मिड ऑफ जनवरी टू मार्च, एंड सेकेंड ब्रीड कब, सेकेंड टाइम कब करती है ब्रीड, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। फॉर ब्रीडिंग इट नीड्स सबमर्ज एक्वेटिक वीड्स सच एज हाइड्रीला, नाजा एसेट्रा। तो ब्रीडिंग के लिए इनको वीड्स की ज़रूरत होती है जिनमें ये लोग ब्रीडिंग स्पॉट्स खोजते हैं और वहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं। तो कैसे वीड्स चाहिए होते हैं उनको, हाइड्रीला, नाजा एसेट्रा। तो ये सब क्या है, एक्वेटिक वीड्स है। इन इंडिया फॉर ब्रीडिंग हापा विथ हाइड्रीला इज यूज्ड। तो इंडिया में ब्रीडिंग हापा अगर बनाया जाता है, जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड टैंक होता है जिसमें नेट से हापा बनाया जाता है और उसमें हाइड्रीला को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो फिश होती है सिप्रिनस कार्पियो वो उनको ब्रीड करने के लिए एक्वेटिक प्लांट्स चाहिए होते हैं।
ब्रीडिंग टेक्निक्स आर डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है हर एक कंट्री में अलग अलग उसकी टेक्निक्स यूज़ की जाती है. एग्स एंड हैचलिंग्स, एग्स आर स्मॉल, स्पेरिकल, डीमर्सल एंड एडेसिव. इनके एग्स कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, स्पेरिकल होते हैं और डीमर्सल होते हैं जो कि बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, और एडेसिव होते हैं. एडेसिव अभी तक हमने जो फिशेस पढ़े कतला, रोहू, मृगल, उनके जो एग्स होते हैं नॉन एडेसिव होते हैं, बट यहाँ पे सिप्रिनस स्कॉर्पियो के जो एग्स है वो एडेसिव है, मींस चिपकने वाले हैं. योक इज़ येलो टू लाइट ब्राउन इन कलर, योक कैसा होता है उसमें येलो टू लाइट ब्राउन इन कलर. हैचलिंग्स आर अबाउट 4 to 5.6 mm इन लेंथ, जो हैचलिंग्स बाहर आते हैं एग से उनकी साइज़ कितनी होती है 4 to 5.6 mm इन लेंथ विथ प्रोमिनेंट योक मास्क, और उनमें योक मास्क प्रेजेंट होता है. जब हैचलिंग्स बाहर आते हैं तो उनमें योक सैक प्रेजेंट होता है जिन पे वो 2-3 तक फीड करती है. इन अर्ली स्टेज लार्वा एडहर्स टू द लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट, तो ये एक्वेटिक प्लांट पे, प्लांट की पत्तियों पे वगैरह एग्स देती है जिनमें क्या होता है अर्ली स्टेज पे लार्वा चिपक जाते हैं लीव्स पे जब वो हैच होते हैं. ठीक है, एग से जब यंग वंस हैच होती है फिशेस की तब वो लीव्स पर चिपक जाते हैं. ठीक है, एंड रिमेन्स इन दिस कंडीशन टिल द योक इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, और वहीं पे वो वैसे ही कंडीशन में रहते हैं जब तक के उनका जो योक होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता. तो 2 to 2.5 or 3 दिन तक वो योक सैक पे डिपेंड रहते हैं, वो योक सैक से ही फूड एब्जॉर्ब करते हैं, और जब तक वो योक सैक पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक वो वहीं पे उसी कंडीशन में रहते हैं. लेटर ऑन लार्वे बिकम फ्री स्विमिंग एंड कंज्यूम्स नेचुरल फूड, और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है योक सैक, उसके बाद जो लार्वे होते हैं वो फ्री स्विमिंग लार्वे बन जाते हैं और नेचुरल फूड कंज्यूम करने लगते हैं एज अ फूड. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फिश इज कल्टिवेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये जो फिश है सिप्रिनस स्कॉर्पियो, ये फिश को ऑल ओवर द वर्ल्ड कल्टिवेट किया जाता है. इट हैज़ एक्सीलेंट ग्रोथ रेट एंड कंज्यूम्स आर्टिफिशियल फूड, ये जो फिश है इसमें इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, जल्दी बढ़ने वाली फिश है और आर्टिफिशियल फूड भी कंज्यूम करती है. इट इज़ यूज्ड एज बायो एजेंट टू कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड्स, तो एक्वेटिक वीड्स पे ये फीड करती है इसीलिए इसे बायो एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है टू कंट्रोल एक्वेटिक वीड्स. दिस इज़ ओनली स्पीशीज ऑफ फिश विच कैन बी ब्रीड अ कन्फाइंड वाटर, तो ये एक ऐसी फिश है जो कन्फाइंड वाटर, कम वाटर में भी ब्रीड कर लेती है. तो ये है सिप्रिनस स्कॉर्पियो फिश की पिक्चर, इस तरीके की होती है फिश. थैंक यू स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.